वेलकम टू माई चैनल किड्स सेंस एंड फन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये टीचिंग से और पेरेंट्स की टीचिंग से रिलेटेड चैनल है, जिसमें LKG और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो सिंगुलर प्लूरल नाउन है। उसको हमें कहाँ कौन सा वर्ड सिंगुलर है, कौन सा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, उनके फॉर्म के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि LKG, UKG और क्लास वन के बच्चों को आप अच्छे से एज अ पेरेंट, एज अ टीचर आप उसे उन्हें समझा सकते हैं तो सिंगुलर क्या है और प्लूरल फॉर्म क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और वंस अगेन बोल रही हूँ, अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। यानी सिंगुलर यानी एक वचन और मेनी यानी प्लूरल, बहुवचन। वन यानी सिंगुलर, सिंगुलर यानी सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर को हम एक वचन बोलते हैं। और यह है प्लूरल, प्लूरल यानी ये हो गया बहुवचन, यह है बहुवचन। तो वन यानी सिंगुलर और मेनी यानी प्लूरल, यानी सिंगुलर यानी जब कोई भी वस्तु एक होती है तो वो सिंगुलर फॉर्म होता है, और मेनी यानी एक से अधिक, मोर देन वन होता है तो वो प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन होता है। जैसे सिंगुलर में, जैसे सपोजेड आप देख लीजिए, एग्जांपल के थ्रू मैं बता सकती हूँ कि ये क्या है, फ्लावर। ये से हम फ्लावर लिखेंगे क्योंकि ये वन है, वन फ्लावर है। यही जब इसी फ्लावर को हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा तो प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए इसमें सब कुछ वैसे ही रहेगा, स्पेलिंग वगैरह सब वैसे ही रहेगा, बस इसमें एस लग जाएगा। यानी क्यों? क्योंकि ये बहुवचन में एस यानी बहुत सारे। तो ये था वन सिंगुलर एक वचन, मेनी यानी बहुत सारे जब होते हैं तो वो प्लूरल नाउन होता है यानी बहुवचन। तो बहुवचन के लिए एस लगाते हैं, प्लूरल के लिए हम एस लगाते हैं। प्लूरल के और भी बहुत सारे रूल है कि कहाँ हमें एस लगाना है, कहाँ ES लगाना है, कहाँ VES लगाने हैं। तो प्लूरल सिंगुलर तो उसी फॉर्म में रहेगा जैसा है, वही स्पेलिंग रहेगी। जब उसे हम प्लूरल में बदलेंगे तो भी स्पेलिंग वही रहेगी, बस एस लग जाता है। तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स आप बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं कि, और प्लूरल्स के कुछ और रूल्स हैं जो हमको आगे देख, प्लूरल का तो यही है फॉर्म, ये अपने ही फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में है, बट प्लूरल्स के कुछ रूल्स हैं कि अलग रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं प्लूरल्स के रूल्स क्या क्या हैं। अभी हमने पढ़ा कि प्लूरल बहुवचन होता है, यानी नेम ऑफ मोर देन, नेम्स ऑफ मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स आर आइडिया। मतलब नेम्स ऑफ मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से अधिक पर्सन, प्लेस आर एनिमल्स के नामों को हम प्लूरल नाउन कहते हैं, क्योंकि प्लूरल नाउन यानी बहुवचन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्लूरल का कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, जिसके बारे में हमें देखना है। चलिए देखते हैं, एज अ पेरेंट्स आप, एज अ टीचर आप अपने बच्चों को ऐसे सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो पहला रूल क्या है कि मोस्ट टाइम्स यू जस्ट एड एस, मोस्ट टाइम्स तो हम अधिकतर तो हम एस लगाते हैं, क्योंकि सिंपली वे में हम एस लगाते हैं अधिकतर वर्ड्स में। जैसे देख लीजिए बैग, तो बैग का क्या हो जाएगा, बैग्स। फैन है, फैन का फैंसी, तो सिंपल है। बुक, बुक्स, ये सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। तो सिंगुलर फॉर्म में जो स्पेलिंग है वैसी ही रहेगी, बस प्लूरल फॉर्म में हमें एस लगाना होगा क्योंकि प्लूरल बहुवचन होता है एक से अधिक के लिए। चेयर, तो ये हो जाएगा चेयर्स, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल फॉर्म है। वही अब हम दूसरा रूल देखेंगे, एंड्स इन वाई, जो वर्ड वाई से एंड होता है उसमें वाई को क्या कर देना है, हमें ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप द वाई एंड एड IES। जो भी वर्ड वाई से एंड होते हैं उनमें वाई को हमें ड्रॉप कर देना है, हटा देना है, और वाई की जगह पे हमें IES जोड़ देना है। जैसे कि बेबी है, बेबी वाई से एंड हो रहा है, तो बेबी में हम क्या करेंगे, वाई को रिप्लेस कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और वाई की जगह पे IES ऐड कर देंगे। वैसे ही जैसे देखिए कॉपी है, कॉपी में भी हमें वाई को ड्रॉप कर देना है, हटा देना है और उसके जगह पे IES। स्टोरी, तो स्टोरी का सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म स्टोरीज हो जाएगा। वैसे ही स्काई का प्लूरल फॉर्म स्काईज हो जाएगा। तो वाई को रिप्लेस कर देना है IES से। तो ये तो सेकंड रूल था, अब हम थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल में क्या है कि एम्स इन FRFE, जो वर्ड्स एफ या एफ ई से एंड होते हैं उसमें क्या करना है, ड्रॉप द एफ एंड एफ ई, एफ और एफ ई को ड्रॉप कर देना और उसके जगह पे VES हमें ऐड करना है। जैसे कि लिफ, लिफ में आप देखिए
जैसे कि लीफ में आप देखिए एप की जगह पे लिप्स हो जाएगा, एल ई ए, और एफ की जगह पे हम वी ई एस लगा देंगे, वी ई एस। तो वैसे ही देखिए लाइफ, लाइफ में एफ ई है तो एफ ई को रिप्लेस करके हमें वी ई एस लगाना है, एल आई वी ई एस। वैसे ही नाइफ है, नाइफ में भी एफ ई को रिप्लेस कर देना है, एन आई वी ई एस नाइफ्स। सेल्फ्स, एस ई एल वी ई एस सेल्फ्स। तो इसमें ये थर्ड रूल था, एफ और एफ ई वाले वर्ड्स में एफ और एफ ई को हमें ड्रॉप कर देना है और उनके जगह पे वी ई एस ऐड करना है। अब हम फोर्थ, ये है थर्ड रूल, फोर्थ रूल, एंड्स इन, जो वर्ड सी एच एस एस एच एक्स और डबल एस ओ आर जेड से एंड होते हैं उनमें क्या करना है, जो उस उनमें ई एस ऐड कर देना है, उनकी जगह पर रिप्लेस नहीं करना है, उसमें ऐड कर देना है। बॉक्स है तो बॉक्स को तो बॉक्स लिखेंगे ही, उसी फॉर्म में होगा, बस इसमें ई एस जोड़ देंगे, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, ये सिंगुलर फॉर्म है। जैसे ड्रेस है तो ड्रेस, ड्रेस अब ये सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में करने के लिए ई एस ऐड कर देंगे, हमें क्या करना है, ऐड करना है। मैच है तो मैचेस हो जाएगा, मैचेस। डिश है तो डिशेस। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।